हरे कृष्णा व्यूअर्स, राधे राधे। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। सो मैंने जैसे कि बताया था कि हमें मीन्स पूरे ट्यूटोरियल में हमें 7 वीडियोस तो कम से कम जरूर पगड़ी पे मिलेंगे। सो जो बेसिक चीजें हैं वो तो क्लियर हो गई हैं। सो आज की जो पगड़ी है वो हम बांधेंगे रेड और ऑरेंज कलर के स्टॉकिंग से। बिल्कुल सिंपल जाने वाला है, जैसा कि मैंने कहा है, हम लोग अब वीडियोज में मीन्स आज के वीडियो में और आने वाले एक दो वीडियोज में हम पगड़ी के डिजाइन देखेंगे, उसके बाद हम सैटन फैब्रिक के तरफ जाएंगे। तो ये कुछ ट्रेडिशनल टाइप और यू कैन से राजस्थानी और गुजराती हिंट टाइप पगड़ी रहने वाला है। तो चलो पगड़ी बांधना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे दोनों कलर के स्टॉकिंग को हमें इक्वली एक लेंथ में लाना है एंड वैसे ही मिडिल पार्ट से हमें यहाँ पे कान्हा जी के गर्दन के पास रखना है एंड पगड़ी बांधना शुरू करना है। सो यहाँ पे स्टॉकिंग को मिडिल लेंथ में रखने के बाद सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सी फोल्ड देंगे, दोनों स्टॉकिंग को पकड़ते हुए एक सिंपल सी फोल्ड देंगे। कुछ इस टाइप से हमें ना स्टॉकिंग को ऐसे फैलाते हुए तब कान्हा जी के सर पर रखना है। सेम ऑरेंज वाले स्टॉकिंग के साथ भी हमें ऐसे ही करना है, देन पीछे से घुमाते हुए उसी स्टॉकिंग को हमें ट्विस्ट करना है। ऐसे हमने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारा स्टॉकिंग है ना वो स्लिप ना करे। मीन्स जो ये ट्विस्ट करके मैं डिज़ाइन बता रही हूँ, ये कान्हा जी के सर पे जाने के बाद ये स्लिप ना करे। सो आप देख सकते हो, एंड इस टाइप से ट्विस्ट करते हुए हमें पीछे लाना है एंड यहाँ पे वहीं ट्विस्ट करते हुए और टाइटली खींचते हुए हमें एक और फोल्ड दे देना है। यहाँ फोल्ड देने के बाद ना सबसे पहले हम लोग लास्ट में पिन नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो पगड़ी है वो स्लिप कर जाएगा। जो दोनों स्टॉकिंग्स मैंने यहाँ पे फोल्ड करते हुए लगाया है एंड नीचे जो मैंने बेस के लिए स्टॉकिंग फोल्ड किया है, तीनों को अटैच करते हुए हमें पिन लगानी है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हमें पिन लगाना है, इस टाइप से हमें पहला पिन यहाँ पे अटैच कर देना है। सो ये वाले पार्ट को हम ट्विस्ट नहीं करेंगे, ऐसे प्लेन में ही ले जाएंगे, दोनों को एकदम इक्वल पकड़ते हुए इस टाइप से। और यहाँ पे इसे फोल्ड करते हुए एक फोल्ड हम देंगे यहाँ पे। मेक श्योर कि आप पगड़ी को, जैसे आपने एक साइड फोल्ड कर दिया तो ये नहीं समझो कि पगड़ी तो अब अटैच हो गया है, हमें पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे हमने कान्हा जी का हेयर जो है नहीं यूज़ किया है ना, तो ये स्लिप कर सकते हैं, तो इसे आप पकड़े रहना। और एक दो डिज़ाइन हम हेयर्स के साथ भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो और अप नेक्स्ट वीडियो। एक फोल्ड देने के बाद एकदम नीचे से, ऊपर से नहीं करना, हमें एकदम मीन्स गर्दन के पास से कान्हा जी के नीचे से रखते हुए फिर हमें सेकेंड फोल्ड भी दे देना है। सो यहाँ पे जो सेकंड फोल्ड था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो पिन कैसे अटैच करना है। ये जो जो सामने हमने ट्विस्ट करके जो डिज़ाइन दिया है ना, उसमें फंसाते हुए हमें पिन को, और ये जो दोनों प्लेन वाली स्टॉकिंग है ना, मेक श्योर कि आप दोनों कलर्स में पिन अटैच करो। मीन्स ये जो ऑरेंज और रेड है ना, आप जो भी कलर्स यूज़ करो, मेक श्योर कि आप दोनों में पिन अटैच करते हुए फिर पिन को बाहर निकालो। पगड़ी में ना हम तीन पिन्स यूज़ करेंगे, बिकॉज एक मैंने सबसे पहले लगाया है और इधर से मैंने सिक्योर किया सेकंड वाले पिन को। ये पीछे से आए हुए स्टॉकिंग को सिक्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ताकि जो हमारा पगड़ी है ना वो अच्छे से शेप में रहे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पिन है ना वो बाहर निकल चुका। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पिन है ना वो अच्छे से बाहर आ गया है। अब आप क्लियर होगी क्यों मैंने यहाँ पे थर्ड पिन भी यूज़ किया है, ताकि ये जो डिज़ाइन है ना ये लूज ना रहे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेडिशनल लुक में कान्हा जी का जो पगड़ी है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए हम कलगी और मोरपंख यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे और भी प्यारे फिनिशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर के इयररिंग्स जो मेरे कान्हा जी के पास थे। आप कोई भी इयररिंग यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सो आप देख सकते हो इयररिंग के बाद ये लुक और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो बहुत ही सिंपल तरीके में हमारा इजी पीजी सा कान्हा जी का पगड़ी जो है वो रेडी हो गया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।